चार साहब ऐसे आप गर्मी मत रहो, आरती गर्मी मत, हाँ ऐसे आप राम मंदिर में हो तो उसकी आरती की उंगली किसको दिखा रहे हो आप? थाने में आके दादागिरी करोगे क्या? कौन दादागिरी कर रहे हैं आप? कर रहे हो बकवास। बाबा बाल मुकुंद आचार्य हवा महल जयपुर से ये सांप चुन के आए हैं और जिस दिन से ये चुन के आए हैं रोज इनका एक ना एक वीडियो वायरल होता है। पहले दिन ये आए तो उन्हें मुसलमानों के वहां पे ठेले दिखे नॉनवेज के, उसे उन्होंने लाइसेंस मांगना शुरू कर दिया, इनके समर्थकों ने वहां गाली गुटकारी की, कुल मिला के वहां पर एक अफरा तफरी का माहौल बना। लेकिन दूसरे दिन बाबा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस बात पर माफी मांगी कि मेरी तरफ से किसी को अगर तकलीफ पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, जो कि फख्र की बात है और बहुत अच्छी बात है। यही होना चाहिए, अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची है तो हम वहां पर अपना खेद व्यक्त करें। बाबा जी का आज एक और वीडियो वायरल है। अब आप सोचे कि मुद्दे उनके पास एजुकेशन, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा ये तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है कोई ऐसा ही मुद्दा लेके पहुंचे होंगे, गाय का, मुसलमान का, टोपी का, मजार का, कोई इसी तरह को मुद्दा लेके बाहर पहुंचे होंगे और वहां इनकी भिड़ंत हो गई ऐसे चुसाब से। उसकी एक झलक मैं आपको पहले दिखाता हूँ। उंगली दिखा दो, खाली पन्ना ही खाली पन्ने में लिखा हुआ है। किसको दिखा रहे हो आप? ये उंगली किसको दिखा रहे हो आप? उंगली किसको दिखा रहे हो आप? थाने में आके दादागिरी करोगे क्या? आप सोचिए अगर इस तरह की विचारधारा के लोग विधायक बनेंगे तो बदले में लोगों को क्या मिलेगा, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप ऐसे लोगों से। बहरहाल ये थाने पहुंचे, उन्हें उम्मीद थी कि मुझे कुर्सी लगाई जाएगी, चाय नाश्ता होगा, गद्दा लगाया जाएगा और जिस तरह से आप देखते हैं किस तरह से होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही साथ दिखा रहे हैं कि एक सादा पर्चा नजर आ रहा है जिसे ये कह रहे हैं कि यह हमारी FIR। बहरहाल SHO साहब से इनकी भिड़ंत हो गई। इन्होंने SHO साहब को धमकाने की कोशिश की लेकिन SHO साहब ने निडरता से इनका मुकाबला किया। वहां पर इनके समर्थक भी मौजूद थे। अब आप सोचिए कि इनके समर्थक कैसे सपोर्ट करते हैं, वहां नारे लगे भारत माता की जय, जय श्री राम। क्या जरूरत है थाने में इन सब चीजों की? आप प्यार से बैठ के अपनी बात करें, अपनी बात समझाएं, कहें और सुने। ये पूरा वीडियो वायरल है, आप खुद कौन दादागिरी कर रहे हैं? आप कर रहे हो दादागिरी कर रहे हैं आपसे? हाँ? या रिपोर्ट दर्ज कराने आप अंदर चलोगे? मेरे को गाइड करोगे क्या? मैंने आपने कहा रिपोर्ट करेंगे तो आप ऐसे ऐसे क्या धमका रहे हो क्या? हमारे रिपोर्ट नहीं लेंगे आप? मुझे रिपोर्ट वकील साहब इधर आओ, रिपोर्ट दो, धमकाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप रवि खान हो क्या? किसी अनेले के बहन हो क्या? कि बाबा जी वहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ऐसे साफ भिड़ गए और उन्होंने कहा कि आप थाने में शालीनता से बात करें। बाबा जी कह रहे हैं कि आप मुझे उंगली दिखा रहे हैं। बहरहाल ऐसे साहब ने कहा कि आप थाने में आके मुझे कानून न सिखाएं, आप अपनी बात बताएं क्या बात है। अब महंत जी का कहना था कि आप मुझे उंगली दिखा रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये तमाम बहुत सारी बातें ये छोटी सी क्लिप आपके सामने है। अभी कह सकते हैं कि पिछले कई दिन से बाबा जी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, रोज एक न एक शगुफा लेके बाबा जी आ जाते हैं जिसपे बहुत सारे वीडियो बनते हैं। मैंने भी आपसे पहले बाबा के माफी के और बाबा के मुसलमानों के ठेलों पे जो जाके उत्पात मचाए थे उसके वीडियो बनाए थे। इसी तरह के मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। बहुत बहुत